तो ये मैंने मंगाई थी अमेजोन से, ये काफी अच्छी सी है। हालांकि ये मतलब मेंस वाली है। देवी जी खाती है पराठे, हम खाते हैं मट्ठी। तो आज मैं एक नया हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये है इसका ब्लाउज जो मैंने कॉलर वाला स्टिच करा है। ग्रीन आ रहा है बीच में कहीं कहीं, तो मैं ग्रीन ही मतलब पहनूंगी इसके साथ में। ये मैंने ले लिया है स्विस ब्यूटी का प्राइमर। हमारे यहाँ तो टमाटर 50 के 2.5 किलो, 50 के 2.5 किलो है, आपके यहाँ पे क्या रेट है जरूर बताना। ये आईब्रो पेंसिल, जो आईब्रो पेंसिल नहीं है, ये पाउडर वाले हैं। अब ये बाल खोलने की बारी है, देखते हैं बाल खोलने के बाद में क्या रिजल्ट आता है। आप सभी को राम राम, मैं हूँ आपकी अपनी मंजू शर्मा। और कैसे आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो काम सारा हो गया है। तो ये आज मैंने पहन लिया नई जैकेट, क्या कहते हैं इसको, थोड़ी तो शर्ट। तो ये मैंने मंगाई थी अमेजोन से, ये काफ़ी अच्छी सी है। हालांकि ये मतलब मेंस वाली है, लेकिन गर्ल्स वाली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये मेंस वाली मंगाई है। और ये काफ़ी गर्म है और पॉकेट भी है इसमें, बहुत बढ़िया लग रही है। चले फटाफट से कान्हा जी को भोग लगाते हैं, फिर नाश्ता करेंगे। चलो, तो ये लग गया है नाश्ता, नाश्ते माज मट्ठी पराठे भी हैं, खैर गरम कर लिए हमने, भाप आ रही है, चाय और खुशी सोई पड़ी है, खुश पड़ रहा है, ट्यूशन इसलिए उधर नहीं जा सकते हम, आराम से बैठो। पहले तारा जी को भोग लगाइए, उसके बाद फिर कुछ के लंच में रखती पराठा। मेरी बोल बोल ले लियो, कल क्या खाया था, 5 रुपीज लिए थे, खाया भी ना कुछ, जेब में रख दिए थे। ये बिस्किट है, वो तो कृष्णा के 5 रुपीज रह रहे थे। अच्छा। उसने मेरे को 10 रुपीज दिए, कह रहे थे बाद में अगर कुछ होगा तो आप उसमें से काट लेना। मैंने कहा मेरे पास 5 रुपीज का सिक्का है, तो अभी ले ले। बीच में आ गई। ये हमारी देवी जी का नाश्ता हो रहा है, ये देखो, देवी जी खाती है पराठे, हम खाते हैं मट्ठी। है देवी, कान्हा जी भी पराठे खा रहे हैं, देवी जी भी पराठे खा रही है, घी डाल डाल के खा रही है आलू गोभी की सब्जी में। हैं एक बार ऊपर देखो तो सही, बताओ तो सही कुछ। लेट उठने का फायदा देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि लेट उठने वाले पराठे खा रहे हैं और जल्दी उठने वाले मट्टी। हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़िया। तो आज मैं एक नया हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसलिए बहुत सारी चोटियाँ गूंद रही हूँ, क्योंकि आज बनानी है वीडियो मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कुछ नया ट्राई करके देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। और ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, पहले कभी करा नहीं है, लेकिन मैं यार खुशी सोच रहे थे, तो देखो क्या पता कुछ हो जाए नया, क्योंकि हमेशा एक जैसा हेयर स्टाइल से ना मैं बोर हो गई हूँ थोड़ी सी। तो कर्लिंग मशीन तो है नहीं, तो मैंने कहा इसी तरह से बाल कर्ल करके देखते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। और कैसी लग रही है चोटियाँ, ऐसी लग रही है जो वो वाली एक वाली पिक्चर है ना, उसमें वो जो वो राक्षस होता है उसके बाल होते हैं। तो आज मैं पहनूंगी ये वाली साड़ी, और ये है इसका ब्लाउज जो मैंने कॉलर वाला स्टिच करा है। सर्दियों की वजह से ब्लाउज स्टिच हो ही नहीं पा रहे हैं, और इसकी स्लीव्स मैंने कुछ इस तरह की बनाई है, बाकी पूरा जो इसका लुक है वो पहनने के बाद पता चलेगा। और बैक से कुछ इस तरह का बनाया है। तो साड़ी है, साड़ी ये मैंने दिवाली पे खरीदी थी, जो साड़ी मैंने दिवाली पे पहनी थी उसी के साथ मैं ये वाली भी लेके आई थी। तो दिवाली पे तो मैंने वो थोड़ी पहन ली थी, हालांकि ज़्यादा महंगी थी, डिज़ाइनर साड़ी थी वो, और ये थोड़ी उससे सस्ती है। अब फटाफट से पहले मेकअप करूँगी, उसके बाद फिर साड़ी पहनूंगी। और इसके साथ जो ज्वेलरी है वो मैं, जैसे कि इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीन आ रहा है बीच में कहीं कहीं, तो मैं ग्रीन ही मतलब पहनूंगी इसके साथ में। तो ये ग्रीन कलर का चूड़ा है मेरे पास, तो मैं ये वाला चूड़ा पहनूंगी ये। और इसमें रेड भी था, लेकिन मैंने रेड हटा दिया है, या रेड भी था येलो भी था, तो मैंने वो दोनों हटा दिए हैं इस तरह के, और मैंने ये पूरा प्लेन ग्रीन ही रखा है, और साथ में ये गोल्डन।
और इयररिंग्स में क्योंकि कॉलर वाला है तो गले में तो कुछ पहनने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ग्रीन कलर की पहनूंगी। जब मैं निकाल रही थी उसमें से जब मुझे ध्यान नहीं रहा था, या तो फिर मैं ये पहनूंगी और इसके साथ में गले का ये सेट है लेकिन गले में पहनना नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा सिर्फ इयररिंग पहनूंगी। और थोड़े अगर अलग मतलब थोड़ा सा लुक करना है तो फिर मैं पहनूंगी ये। ये है वो देवसेना वाले जो चले थे पहले, तो ये वो है। ये मैंने शायद पहने भी नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम ही पहनूंगी। तो इसके साथ में ये वाले इयररिंग्स भी पहन सकते हैं। अरे आ जाओ भाई, यही दिक्कत होती है। तो ये है इस तरह से ये लगेगी और साथ में ये है इस तरह से। तो बाकी देखते हैं, अगर ग्रीन सिर्फ ग्रीन का ही वो रहा तो फिर सिर्फ ग्रीन ही पहन लूँगी। अब फटाफट से रेडी हो जाते हैं। तो उधर खुशी पड़ रही है, तो आज मेकअप मैं यहीं करूँगी आराम से। मैंने शीशा ले लिया है और ये मैंने ले लिया है स्विस ब्यूटी का प्राइमर। तो सबसे पहले फेस वॉश कर लिया, टोनर कर लिया है और मॉइस्चराइज़र लगा नहीं रही कुछ भी क्योंकि मेरे को दाने बहुत हो रहे हैं, तो डायरेक्ट मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही लाइट मेकअप करूँगी, हालांकि मेरा फाउंडेशन इतना धांसू वाला है कि वो लाइट मेकअप में भी ज़्यादा ही मेकअप दिखाता है, काफ़ी अच्छा वाला है। तो इसको थोड़ा सा पॉलिश करेंगे। तो ये ले लिया है मैंने Forever 52 का फाउंडेशन और इसका जो शेड नंबर है वो है BUF003 मिल्क केक है ये। और ये लगाएंगे। और जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो मैंने पहले ही मतलब उसको अच्छे से धो के उसको अच्छे से स्क्यूज कर लिया है, निचोड़ लिया है बढ़िया सा, बीच में पानी है तो इस तरह से जैसे कोई भी साफ टॉवल लेके उससे इसको क्लीन कर लेना है। और इसको अच्छे से पानी से धोना बहुत ज़रूरी है और ऐसे डैब डैब करके पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाएंगे जहाँ पे ये रेड रेड से हो रहा है जो कि मेरे जुकाम की वजह से है, उन सबको अच्छे से कवर कर लेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर की वजह से ऐसे डैप डैप करेंगे। हमारे यहाँ तो टमाटर 50 के 2.5 किलो 50 के 2.5 किलो है, आपके यहाँ पे क्या रेट है ज़रूर बताना। और ये नेक पे इस तरह से कर लेंगे, थोड़ा कान पे भी। और ये जो छोटी छोटी चिट्टे बनाई हैं ये बार बार आगे आ रही है, तो इसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये ले लिया मैंने शुगर का कॉम्पैक्ट वाइट, जो होता है कॉम्पैक्ट पाउडर वाइट वाला, आप चाहो तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कॉम्पैक्ट यूज़ करना फाउंडेशन के बाद ज़रूरी होता है इसको सेट करने के लिए। और इसको इस तरह से हल्के हाथ से सेट करेंगे जिससे कि ये अच्छे से मतलब फिक्स हो जाए। इसके बाद आईब्रो सेट करेंगे, ये एक मैंने कर ली है, ये बुली की मदद से इसको ऊपर की तरफ करेंगे। और ये ब्रश लेंगे, तो ये ब्रश कुछ इस तरह का होता है ये, और इसको इस तरह से हल्का झाड़ के ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले, यहाँ तक इस तरह से। फिर दोबारा लेंगे, फिर ये यहाँ से स्टार्टिंग से थोड़ा सा छोड़ के उस लाइन से हमको इसको मिलाना है। फिर यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन थी इसको यहाँ से नीचे लेके आना है। और फिर ये जो लाइन है इसको इस तरह से मतलब लाइन से लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। उसके बाद में जो अंदर की हमारी जगह है उसमें थोड़ा थोड़ा लेके हम आईब्रो ये
आईब्रो, ये आईब्रो पेंसिल जो आईब्रो पेंसिल नहीं है, ये पाउडर वाले हैं। इस तरह से लेके अंदर फिल करना है आपको तो बहुत ही कम प्रोडक्ट लेना है, ऐसा नहीं है बहुत भर भर के आपको लगाना है, बहुत कम लेना है और इस तरह से कुछ लगानी है। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि बाई चांस कि थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, तो ये बिल्ली की मदद से इस तरह से आपको करना है। थोड़ा सा ये आप टच करोगे तो ये प्रॉपर शेप में आ जाएगी। आप थोड़ा सा आईज़ का मेकअप करेंगे, आईलाइनर वगैरह लगाएंगे और थोड़ा सा ब्लश वगैरह लगा के हम हो जाएंगे रेडी। तो ये हो गई हूँ मैं पूरी रेडी, साड़ी वाड़ी सब पहन ली है, ये चूड़ियाँ भी पहन ली है। अब ये बाल खोलने की बारी है, देखते हैं बाल खोलने के बाद में क्या रिजल्ट आता है। बंद तो गए, खुल भी नहीं रहे, नीचे से इतने वो हो गए हैं। बहुत बढ़िया बने थे लड्डू, आखिरी आखिरी है ना? नहीं, उसका वो मिक्सचर रखा हुआ है, फिर से बनाए ना, अब उसमें जाके खजूर ला के डाल के फिर से बना सकते हो, या फिर उसमें बूरा डाल के खा सकते हो। आपकी आंखें ब्राउन ब्राउन है, चमक रही है अलग सी। डिजाइन यार, कपड़े 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 अच्छी लगी साड़ी। और कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा ये वाला लुक। बोलू क्या इसका लंच कह रही इसका वो बर्तन, क्या बर्तन धो दे इसका, आप क्या कर दे, खाई रहा तो फेंक दे उसे, फिर उल्टी कर दी ऊपर से इसने ऊपर। चाय बन रही है, अरे बब्बी क्या क्या हो गया बर्तन, साड़ी में बर्तन नहीं धोते, साग है रात वाला साग, यही बचा है बस। वो टॉवल उठा दिया, हैंड वॉश कर रहे थे क्या? ये चावल इतना तो ब्राउन क्यों है? मसाला डाला है ना? नहीं, सिर्फ नमक डाला है। तो चने की दाल के चावल बना लिए, थोड़ी सी रोटी, किसी से खानी होगी वो साग से खा लेगा। कुछ हो तो इसमें मिर्च है, उसमें मिर्च से क्या होता है, और क्या चाहिए भाई, नमक मिर्च, नमक भी है मिर्च भी है सब कुछ। तो व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल पर नए हैं तो चैनल करो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।